आचार्य देव क्या कहा क्या कहा क्या कहा, कैसी बातें करते हो? क्या कहा? वत्य कहा, जो भी कहा सत्य कहा। अतल वितल सुतल सत्य भूतल भुवनालन्नि प्रणविल्लु पुरुषुडु ओक्क मग्गडु। कितना हुआ? 150 रुपए। ऑटो में बैठने का टाइम नहीं बताया? बोलता तो बैठता क्या? ये मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी नहीं, हमारी मर्जी चलेगी। अरे, तेरी तो। हम तो शहर में नए आए हैं ना। अरे भाई मेरी बात मानो, लाइट बंद कर दो नहीं तो मकान मालिक घर से निकाल देगा, समझे नहीं? अरे बात समझा करो यार, परेशान करके रखा है। क्या हुआ भाई? हाँ बोल रहा। अरे बात मानो यार तुम। हाँ, यार मैं समझ गया, मैं कुछ बोल रहा हूँ। ये एड्रेस बताओ। अरे मैं बोल रहा हूँ यार, तुम मेरी बात समझा करो यार। हाँ ए सुधाकर भाई। क्या सुधा, सब ठीक ठाक है? हाँ भाई सब ठीक ठाक है। भाई ये शहर तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तुम भोले भाले रहे तो वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और अगर तुम चालाक हो गए तो हर कोई क्लीन बोल्ड। बैठो अभी आता हूं। ये लो कॉफी। थैंक्स यार। और बताओ गांव में सब ठीक है? सब ठीक है। मिस्टर सुधाकर मेरा विलेज फ्रेंड। नमस्ते। पढ़ाई में टॉपर है, ये भी तुम्हारी तरह सिविल में घुसना चाहता है। घुसने के लिए ट्राई करो, बट अगर नहीं घुस पाए तो सेंचुरी के लिए ट्राई तो करो, अगर नहीं मिला तो बस पकड़ के वापस गांव चले जाना, यही इसकी फ्री एडवाइस है। चलो छत पर चलते हैं। तुमने उन तीनों को देखा ना, वो बहुत ही पैसे वाले हैं, उनके माँ बाप IAS और IPS हैं। इन्हें भी वो लोग अपनी तरह ही बनाना चाहते हैं, लेकिन इनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। जब देखो तब दारू लड़की इसी में लगे रहते हैं। हुई जी, माय विलेज फ्रेंड, वेरियस स्टेज इन आवर रूम। हाउ इज इट पॉसिबल यार, यू नो मुथु नरसिम्हा का टर्म एंड कंडीशन राइट? मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं अपनी वर्किंग प्लेस पे शिफ्ट हो रहा हूँ। ही विल रिप्लेस यू। ओके। रूम में तीन लोग होने चाहिए, यही रूम ओनर मुत्तु नरसिम्हा की कंडीशन है। नाम में वैरायटी है, उसकी स्टोरी में भी वैरायटी है। इसने पैसे की लालच में अरब कंट्रीज में जाके पैसे तो कमा लिए, लेकिन बेचारे ने उस चक्कर में अपनी जवानी गवा दी। डेली अपनी राशि दिखा के शादी के लिए किसी को लड़की मिलती है क्या? अभी तक कोई नहीं मिली। ये बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह तुम नाटक में लड़की बनते थे उसी तरह बन के इस बंदे को क्लीन बोल्ड कर सकते हैं। टोटल कोचिंग फीस 1 लाख, एडवांस 50,000। क्या हुआ पापा, क्या बात है पापा, आप तो मेरी बात ही नहीं मानते। हैदराबाद में कोचिंग करूंगा तो बहुत खर्च होगा, मैं बिना कोचिंग के पढ़ लूंगा पापा। कोई बात नहीं बेटा, चलेगा, जितना भी खर्च होगा होने दो, लेकिन वहाँ कोचिंग किए हुए लोग सब कलेक्टर बन गए। मैं तकलीफ उठा लूंगा, लेकिन मेरा बेटा कलेक्टर बनना चाहिए। ये लो बेटा। क्या माँ, तुम भी पापा की तरह ये कर रही हो? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? चुप हो जा बेटा, तुम अच्छी तरह पढ़ाई में ध्यान देना। ओके सुधा, ऑल द बेस्ट। थैंक्स भाई। अगर मैं IAS नहीं बना तो मेरे पापा
बहुत नाराज हो जाएंगे मुझसे। मैं आई जस्ट बना तो डैडी मार डालेंगे। ऐसा क्यों? उन्होंने बोला देख लूंगा। देखने का तरीका अलग होता है ब्रो। हाँ। तुम्हारे देखने में और तुम्हारे पिताजी के देखने में फर्क तो हो गए ना यार। एक्सक्यूज मी, आपका एफबी अकाउंट है क्या? नो। क्यों नहीं है जी? क्या कहा आपने? आई सेड नो। अरे मुझे लगता कहीं देखा आपको। नो चांस। यस नो चांस। हाय। हाय। आई एम सुधाकर। आई एम सुधाकर। मैं सुधाकर हूँ दोस्त। मैं भी सुधाकर हूँ। अरे फर्स्ट दिन ही क्यों ऐसा लोग मिलते हैं मुझे यार। मुझे लगा कि मैं ही पागल हूँ, ये तो मुझसे भी बड़ा पागल है। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम आंध्र प्रदेश, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। ओके, प्लीज सिट डाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज कृष्ण कुमार, आई एम योर प्रोफेसर। My subject is Indian politics and economics. Today we are going to interact only. From tomorrow, I will take your classes. Okay? आज मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। Do you know the difference between cat and monkey? So इस क्लास में हमें भी एक कॉमेडियन मिला। कैट अपने बच्चों को 9 जगह पे बदलती है, ये बात हम सभी जानते हैं। जगह बदलते समय मदर कैट बेबी कैट को गर्दन से पकड़कर उठाती है, ऐसे में उसका स्पाइनल कार्ड डैमेज हो सकता है, इसलिए वो बहुत केयरफुली हैंडल करती है। और इस प्रोसेस में अगर बेबी कैट नीचे गिर जाए और कोई डैमेज होता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? मदर कैट ना। लेकिन ये बात मंकी के साथ बिल्कुल रिवर्स होती है। बेबी मंकी मदर मंकी को पेट से पकड़कर रहता है और इस प्रोसेस में मदर मंकी दौड़ते और कूदते समय अगर बेबी मंकी किसी भी तरह से गिर जाए तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? मदर मंकी। नो, बेबी मंकी विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट मदर। सो नाउ यू आर नॉट इन अ कैट पोजीशन, यू हैव ऑल एंटर्ड इनटू मंकीज पोजीशन। ये बात अगर आप लोग हर समय अपने दिमाग में रखेंगे तो ही अपनी जिंदगी बना सकेंगे। चाहे आप लोगों को अपने माँ बाप का सपना पूरा करना हो या पब्लिक के बीच बहुत फेमस होना हो, ये सब आप लोगों के हाथ में है। योर डेस्टिनी इज इन योर ओन हैंड, रिमेम्बर दैट एवर। ओके। और कैसा रहा पहला दिन? बहुत अच्छा था, वेरी एक्साइटेड। डोंट बी एक्साइटेड यार, स्लोली यार आर विल स्टार्ट। कहाँ? आई मीन ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, विच सेक्शन? हमारे गांव में इस तरह से नहीं था। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, सब सेक्शन एक ही था। सब इंग्लिश में बात करते हैं। मैं इससे पूछता हूं। हाय। अरे बात नहीं कर सकते हो? मुझे इंग्लिश नहीं आती। इसे भी इंग्लिश नहीं आती है, बहुत अच्छे। एक्सक्यूज मी, तुम जरूर कलेक्टर बनोगी। थैंक्स। लेकिन टिकट कलेक्टर? Good morning, friends. Good morning, sir. Today, we are going to discuss about the great Indian Constitution. Okay? This is the lengthiest constitution written in the whole world. The great man Dr. Ambedkar has brought out various aspects with 395 articles and 12 schedules. Understand? Hey man, what's up? Sorry sir, मेरे पास सिंपल फोन है जिसमें व्हाट्सएप नहीं है। Hey, stop, stop.
Why are you laughing? Sorry sir, लगता है मैंने गलत बोल दिया. No 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 no. I think you are Hindi medium. तुम्हें language problem है क्या? Yes sir. Look Mr. सुधाकर. सुधाकर, तुम्हें देखकर 20 years back मैं अपने आप को याद कर रहा हूँ. You know, मैंने भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है. Mr. सुधा, be confident, raise your head. तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो शर्म की कोई बात नहीं है. मेहनत नहीं करोगे तो शर्मिंदा होना चाहिए. If you concentrate on English language, then it will become your slave. भविष्य में as a collector, अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए तुम्हें इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी. So, my sincere advice to you, better to join spoken English. Okay? Good luck. Indian Public Administration. मैं इसे पढ़ तो पा रहा हूं लेकिन समझो कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है. इसे देख के कोई फायदा नहीं है. अब मैं किसी से पूछ के समझूंगा. ये लोग कहां गए? चलो देखता हूं. हेलो. हाय डार्लिंग, लास्ट नाइट यू केम टू माय बेडरूम. I am really very happy, yaar. Thanks for sharing the bed. Are you mad? What are you talking? Really, yaar? You came to my bedroom. लगता है रात के उतरे नहीं हैं. Idiot. भाई, भाई, कल मैं क्लास गया था. मुझे कुछ समझ में नहीं आया. आप मेरी हेल्प करेंगे क्या प्लीज? Sorry, यार. Girlfriend is waiting there. I have to go. भाई, कल मैं क्लास गया था लेकिन कुछ समझ में नहीं आया. आप मेरी हेल्प करेंगे क्या प्लीज? भाई क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैं क्लास गया था, कुछ समझ में नहीं आया. आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना प्लीज. अरे डिस्टर्ब मत कर यार. भाई मेरा प्रॉब्लम तुम सोल्व करो और तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सोल्व करता हूँ. ओके भाई. बाल्टी में कपड़े पड़े हैं. ठीक है भाई. आज रूम साफ करने की बारी मेरी है. ए, आज मूड नहीं, बाद में देखेंगे.
एक्सक्यूज मी, यहाँ इंग्लिश सिखाने वाला स्कूल कहाँ है? इट्स देयर। ये तो किसी फिल्म थिएटर की तरह दिख रहा है। हाँ ये थिएटर ही है, लेकिन तुम जो सोच रहे हो सिनेमा थिएटर नहीं है, वीडियो दिखा के इंग्लिश सिखाने वाली थिएटर है। वहाँ के टीचर मैं हूँ। आप तो खुद ही स्टूडेंट लग रही हैं, आप कैसे सिखाएंगी? कान पकड़ के सिखाऊंगी। छोटी लड़की क्यों कहा? सी टीम को बुलाऊं क्या? इंडियन टीम सुना है, ये सी टीम क्या होती है? वेट करो, समझ में आ जाएगा। जाने दे यार, लगता है ये अभी नया है। तो काफी इंटेलिजेंट है। हे, तुम्हें गेस करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले खुद को देखो। बहुत देख लिया खुद को। गो टू क्लासरूम, आई एम कमिंग। Sentence with I, V, U, Te. Whenever we started a sentence, the subject to pronounce like I, V, U, De. तो I, V, U, De से sentence आ जाता है have. और he, she, it से sentence हो जाता है has. ये have, has को openly use करना होता है. The word should be in the past participle form. I mean the last form of the word. I have taken coffee. मैंने coffee ले लिया. इसी तरह हाउ हैज के बाद ओपन पास्ट पार्टिकल फॉर्म यूज करने से यह बन जाएगा मैंने काम किया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो देखा आपने, इंग्लिश में बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश में बात करना हो तो ग्रामर पूरी तरह जानना जरूरी नहीं है। सिर्फ थ्री टेंस यूज करने से आप लोग भी इंग्लिश में बिल्कुल बन सकते हैं परफेक्ट। सर मैं भी ये जानना चाहता हूँ। तुम तो बहुत ही इमोशनल हो। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? बीए सर। लेकिन डिग्री तक कैसे पहुंचे? एग्जाम देके सर। टुडे वी हैव लर्न्ड सेंटेंसेस, टुमारो समथिंग न्यू, सो कीप प्रैक्टिसिंग। ओके गाइस, बाय बाय सर। Excuse me? आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की, सच में मजा आ गया। तो मैं हीरोइन के लिए ट्राई करूं क्या? मुझे तो यकीन हो गया था, अगर आप किसी डायरेक्टर के पास जाएंगी ना तो आपको देख के योके बोल देगा। वैसे तुम क्या बनना चाहते हो? मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ? शहर के जो बच्चे हैं ना उनसे कहीं ज्यादा जोश है मुझ में, ऐसा हमारे धोनी भाई ने भी कहा है। टाइमिंग अच्छी है पर लुक पे काम करना पड़ेगा। समझ गए ना तुम? माय नेम इज लक्ष्मी। सुधाकर। ओके बाय। एक्सक्यूज मी। या? मुझे आपके नोट्स चाहिए। नीचे ऑफिस रूम में। सच कहूँ तो मेरे पास पैसे नहीं है, जेरॉक्स के लिए काफी पैसे लगते हैं, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे यकीन हो गया तुम जरूर कलेक्टर ही बनोगे। टेक दिस। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। नाउ we are going to discuss about GDP. Can any one of you define about GDPs? Come on, any of you? I can, sir. Good. Please come, Sudha. Sudha, can you define what GDP is? Sure, sir. GDP is the gross domestic product. It is used as one great primary indicator to gauge any country's economy and represents total dollar value of all services and goods. Very good, Sudha. Very good. Keep it up. You have finally conquered the language of English. Good luck. क्या बात है भाई? तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, क्या बात है? बात तो उसी कमाल कर दिया भाई। क्या है यार, तो कमाल है। इसने क्या कर दिखाया है? हाँ यार, बहुत बढ़िया। No problem. Just a minute. It's okay, यार. कोई बात नहीं बेटा, चलेगा। जितना भी खर्च होगा होने दो, मैं तकलीफ उठा लूंगा, लेकिन मेरा बेटा कलेक्टर बनना चाहिए।
कौन? आप कौन? एक मथु, एक नरसिम्हा, दोनों मिक्स करके मल्टीप्लाई करके स्क्वायर किया तो रिजल्ट आया मथु नरसिम्हा। तुम कौन हो भाई? वापस बोलिए, नहीं समझा। ए, वापस बोलने का अपना कोई रिकॉर्ड नहीं है, कौन हो तुम? आपने तो मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया। ए, ज्यादा मत बोल, जानता नहीं है मैं कौन हूँ? दुबई में शेख को शेख करके आया हूँ। हम मैरिज ब्यूरो से बात कर रहे हैं सर, आपको लड़की चाहिए सर? चाहिए, उसके लिए मैंने डिटेल भेजा था। फीस कितनी है? आपकी एज क्या है सर? अब 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 हेलो 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 सर, हेलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो, ये सिग्नल कहाँ गया? एज पूछता है, एज, सबको एज ही चाहिए है। ये क्या है, दरवाजा बंद नहीं किया क्या? ये बच्चे लोग भी ना दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। मैटरमनी, अच्छी लड़की ढूंढो। तैयार है सर? है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? आपको इस एज में विधवा ही मिल सकती है। मुंह बंद कर अपना, जानता नहीं है मैं कौन हूँ? दुबई में शेख को शेख करके आया हूँ, मेरे को कहानी सुनाता है। ऐ मनी, मेरी बात सुन ले। अरे शादी के लिए नहीं, मसाज के लिए लड़की चाहिए। अरे इसने मुझे देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखता हूँ। शादी के लिए तड़प रहे हो, लेकिन लड़की भी खुश रहनी चाहिए ना। Shut up! तुम्हें पता ना मैं दुबई में शेख को शेयर करके आया हूँ, पता है, लेकिन यहाँ शेयर करना चाहिए ना। तुझे पता है दुबई से ओरिजिनल काजू पिस्ता लेकर आया हूँ। अरे तुम्हें क्या पता है बच्चू, इसी में तो पूरा खेल है। ये क्या है, अभी तो बंद किया था मैंने, इसको भी खुद खोलने की आदत है। मैटर मनी, जी सर, यहाँ एक बच्चा मेरे से खेल खेल रहा है, लगता है मुझे जानता नहीं वो। ओके, तू फोन रख अभी। ए, दुबई में शेख को शेख करके आया हूँ। गुड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग। चौथा किधर है? अपने को नहीं मालूम सर, उधर जाके देख लो। चल आगे चाल कर। कनेक्टिंग पीपल। राइट टाइम में डिस्कनेक्ट होकर रॉन्ग टाइम में कनेक्ट हुए तो। ए, तुम लोगों 20+, मैं हूँ 50+। हैं? खजूर पिस्ता। कहाँ छुप गया वो? किधर गया होगा? ये तो गया यार। कमर टूट गई मेरी तो। तुम लोगों ने कोई आवाज तो नहीं सुनी ना? नहीं नहीं, नहीं, कुछ नहीं सुने थे। था भी नहीं। खेलो 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 खेलो। अरे बाप रे, ओहो मर गया। पक्का यहीं छुपा होगा। मुझसे खेल खेलेगा?
अरे बोल ना। ओ एक मिनट एक मिनट। उधर होगा। यहाँ भी नहीं है, किधर गया? अरे सीढ़ी कहाँ गई? यही तो थी, यही तो रखी थी मैंने। अरे अरे जॉन, अरे प्रसाद। अरे अरे कहाँ मर गया साहब? अरे ये क्यों चिल्ला रहा है यार? अभी पहली बार ये फंस गया है। मुत्तू से शाम को सनस्ट्रोक और हमें मिल्क शेक। यस अच्छा। भैया एक चाय देना। हेलो कहाँ हो तुम? रूम में। What doing? तुम कहाँ? Opposite to your room. Don't be silly यार। यकीन ना हो तो नीचे आके देखो ना सर। क्या कर रही हो? तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे चाय पी रही हूँ। ये पागल आ भी सकती है। अरे ये तो सच में आ गई। अरे नहीं, ये क्या सडन स्ट्रोक? स्ट्रोक बोल के नहीं, सडनली ही आती है। ठीक है स्टार्ट करो, जल्दी करो। तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो क्या? मैं हैदराबाद की हर गली जानती हूँ। अच्छा। एक गरम चाय लाना। जी मैडम। हाँ अभी तो तुमने चाय पिया था। तब तुम साथ नहीं थे ना? थैंक यू। मैं तो इसे सीधी साधी समझता था, लेकिन ये तो बहुत चालाक है। स्मोक करते हो तुम? नो नो मेरी आदत नहीं है। छुप छुप के जो दम मारते हैं ना असली मर्द होते हैं। तुम? डेली 2 पैकेट्स। शहर में लड़कियां भी स्मोक करती हैं, तुम्हें तो पता ही होगा ना। ये क्या है? दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Thank you, Lakshmi. Thank you so much. Okay, Sudhir. I'll make a move. Let's meet tomorrow. Okay. Bye. Bye. Hello? I'm not a smoker. हेलो।
आ गया, देख तेरे पापा को क्या हो गया। तेरे पिताजी को क्या हो गया, हमें छोड़ के चले गए। बेटा बोल कुछ बोलने के लिए इनको। अब हम लोग कैसे जिएंगे, बेटा बोल ना इनको। अब हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, चलेगा, जितना भी खर्च होगा होने दो, लेकिन वहाँ कोचिंग किए हुए लोग सब कलेक्टर बन गए। मैं तकलीफ उठा लूंगा, लेकिन मेरा बेटा कलेक्टर बनना चाहिए। हमारे सत शास्त्रों में ये बात लिखी है, आप श्रीमद् भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, तो इसमें ये बात लिखी है, जो त्यागी है मतलब साधु है, उसके लिए अष्ट प्रकार से धन और स्त्री का त्याग, तो उसको त्यागी कहते हैं। और जो गृहस्थ आश्रम में है उसके जीवन में एक स्त्री पुरुष के लिए, एक स्त्री के साथ व्यवहार, स्त्री को के लिए एक पुरुष के साथ, ये धर्म मर्यादा। आप कौन हो? आपको एक नौकरानी की जरूरत है क्या? मेरी माँ ने मुझे भेजा है। मेरा नाम है पार्वती। पारो चलेगा। आपकी मर्जी है सर। आपका नाम? शिव। और आपका नाम? शिव। और आपका नाम? शिव। आप तीनों का एक ही नाम है? हम तीनों एक हैं। आज से हम तीनों शिव और तुम हमारी पार्वती। अरे मुझे तो शर्म आ रही है। वेलकम। किचन कहाँ है? इधर है। पारू, पानी कहाँ से आता है जानती हो? सर ये है ना। गुड गुड, तुम जानती हो नहीं इसलिए पूछा। ये देखो, इसे ऐसे पकड़ना है और ठंडा ठंडा पानी, मजा आ गया। थैंक्स सर। गुड गुड। ये भी साफ करोगी पारो? प्लीज पारो। कोई बात नहीं सर, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। आ? जो भी मैं बोलूंगा वो करेगी क्या? बाद में बताता हूँ। ओके ठीक है सर। सुधीर, सुधीर सुनो ना, दुनिया में हर एक इंसान को अपनों को खोने पर दर्द होता है यार, सबको एक दिन मरना है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई पहले मरता है तो कोई बाद में, पर दुख तो होता है ना, हर इंसान को दुख सहना पड़ता है सुधीर। इस दुख से तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा, तभी तुम सक्सेस हो पाओगे। तुम्हें अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए दुख से निकलना ही होगा सुधीर। जो करना चाहते हो उस पे फोकस करो और आगे बढ़ो। डू और डाई। हाय, गुड मॉर्निंग शिव। गुड मॉर्निंग पारू। आज कुछ खास है क्या? ये क्या, आज कुछ खास है क्या? हाँ जी, अच्छा है क्या? एक्सलेंट। इस ड्रेस में एकदम चिकन पीस की तरह लग रही हो। अरे ये बैंगल कहाँ से लाई हो? चार मीनार से। अच्छा है क्या? ये क्या, आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? समझ में आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अरे ये बर्तन साफ धुला हुआ है, ये गैस भी धुला हुआ है,
ये अलवीरा भी साफ की हुई है, ये सब किसने किया? ये सब काम तो मैं करने वाली थी, कौन कर गया? हाँ ये क्या शिफ्ट, बर्तन धुला हुआ है, घर साफ किया हुआ है, क्यों जी मेरा काम पसंद नहीं आया क्या? तुम पसंद हो, तुम्हारे काम भी पसंद है, इसलिए तुम्हारे कोमल सेक्सी हैंड को रेस्ट दिया। सुनो पर अभी से सारा काम ये करेगा, तुम्हें टाइम पे आने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी टाइम पे आके एक छोटी सी टचिंग देकर जाना बस। पता नहीं समझ में आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, मैं चलती हूँ शिफ्ट। सुनो पारो एक मिनट, तुमने इस कंपनी की आइसक्रीम कभी खाई है क्या? तो फिर ये लो खाओ ना, ये ब्रेकफास्ट अंदर नहीं बाहर है। ये कौन है, इसको नहीं दिए? वो अच्छा लड़का नहीं है इसलिए उसे नहीं दिया है। वाह सुपर। ए पानी लाना, लग गया है बेचारी को। अरे अरे ये क्या, ये लो पानी। कपड़ा कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूँ क्या? नहीं नहीं मैं घर चलती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। चिट रुको भाई। हाँ तुम्हारा फीस बैलेंस है? मैं दो दिन में भर दूंगा। बिना फीस दिए अंदर नहीं जा सकते, फीस वीस भरने नहीं फालतू में चले आते हैं, कलेक्टर बनना इनको। अकॉर्डिंग कमिटेड रिपोर्ट दे वर्क क्लासिफाइड एज टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज प्रीपेड। इन इंडिपेंडेंट इंडिया द रूल्स ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस वेयर बेस्ड ऑन 300 ईयर्स बैक ऑफ ब्रिटिश सिस्टम एंड कुड बी थ्रस्ट टू ईयर 1687। देख टाइम पर अगर रूम शेयर दोगे तो एंट्री होगी, नहीं तो नो एंट्री। सॉरी सुधा, सही टाइम पे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, जॉब छोड़े मुझे 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए फीस दिए हुए, फ्री में कलेक्टर बनना चाहते हो? साफ कर दिया क्या? तेरी तो मैं तुझे क्या बेवकूफ लग रहा हूँ? नाम क्या है तुम्हारा? पारो। लगता है कुछ ज्यादा ही फिल्में देखती हो तुम, असली नाम बताओ। पार्वती। आज से पहले इन लोगों ने तुम्हें कभी पैसे दिए थे? हाँ। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो। नाश्ता करने के लिए सिर्फ पैसे दिए थे सर। पहले नाश्ता मिलता है, उसके बाद आइसक्रीम, फाइनली गिफ्ट, और गिफ्ट मिल जाने के बाद सेम स्क्रीन प्ले रिपीट। हाँ तो प्रेम कथा फिल्म, सेम स्टोरी, यही हुई थी। तुम्हारी तरह एक और भोली भाली नौकरानी काम करने के लिए यहाँ आई थी, तीनों ने मिलके वेलकम किया, शेर के शिकार में बेचारी बकरी की बलि चढ़ गई, धीरे से गोद में बिठाया, पहले उसे नाश्ता करने के लिए पैसे दिए, फिर उसे आइसक्रीम खिलाई। गिफ्ट तो उसके लिए पहले ही आ चुका था, मैं तो यहाँ से गांव चला गया था, और मेरे आने से पहले ही बेचारी बेमौत मारी गई। हॉल में जो फैन होता है उससे लोग हवा खाते हैं, लेकिन कभी कभी लोग खुद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, उसने भी कर लिया। ए, मेरी कहानी उसे क्यों बता रहा है? उससे मेरे पास भेज मेरे साथ रहने के लिए, मैं बोर हो रही हूँ, उनके पास जाते ही ये मेरे पास आ जाएगी। वो जो बोल रही है समझ में आया तुम्हें? तुम्हें भी बुला रही है, सोच लो।
हाय पारो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। फाइनली गिफ्ट, गिफ्ट लाया तो सेम स्क्रीन प्ले। मैं नौकरानी हूँ, लेकिन ये मुझे क्यों दे रहे हो सर? तुम सबके लिए नौकरानी हो सकती हो, लेकिन मेरे लिए हीरोइन हो तुम। ये पहन के सामान था लगो। अनुष्का। पकड़ो एक मिनट। अरे तुम फैन क्यों देख रही हो? अरे ये फैन का स्पीड किसने बढ़ाया? वो रस्से में जान गई हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम घबरा रही हो। क्या हो गया तुम्हें? मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर, मैं घर चलती हूँ। ले लो इसको, कल आने वक्त ये पहन लेना। ओके 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 ओके। इसे आज हो क्या गया है? ये चली क्यों गई? पता नहीं यार, आज बहुत घबराई हुई सी लग रही है। जाने दो यार, कल तो आएगी। कहाँ है वो लड़की? वो टेंशन में थी यार, कपड़े लेके चली गई। अरे बाप रे, उसमें मेरा पर्स था, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश। अरे यार लैला मजनू की तरह प्यार में पागल हो गए हो तुम। कल सुबह आके पूछेगी ये क्या है सर, वो क्या है सर। शर्त लगा लो, डोंट वरी मैन, शी कम्स टुमारो मॉर्निंग। थोड़ा इंतजार करो। लीव यार। ए, ए, क्या है? अभी तक पारो नहीं आई। अरे क्या है रे, वो तेरी बीबी है जो उठ के आ जाएगी तेरे पास, वेट करो। ए, ये अब देख क्या हुआ? मेरे सारा पैसा लूट लिया उसने। उसका घर पता है तुझे? नहीं मालूम मुझे। कहाँ रहती है वो? कहाँ पे रखा था? तो एड्रेस पूछने के लिए मना किया था क्या? ओके ओके ठीक है। छे फोन नंबर बोला तो मेजरमेंट दे दिया अपना। हा? अब फोन कनेक्ट नहीं हो रहा यार। अरे भाई दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे रखा जाता है पैसा? सारा पैसा बिखेर दिया। रुक जा यार, वापस आके देता हूँ। मोहन बाबू दिमाग ब्लैंक हो गया। पैसे कमाऊंगा तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी, यही सोचा था। बैड लक, एक्सपायरी डेट हो गई पर शादी नहीं हुई। कम से कम यही लड़की सेटल करवा दे भगवान।
मेरा नाम रानी है। कल तक यहाँ जो काम कर रही थी वो मेरी बहन है। वो गांव गई है इसलिए मैं आई हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 50,000 रुपए लूट ली और तुम दोनों बहनें नाटक करती हो? वो कहाँ गई है? अबे चुप रे यार, पागल है क्या? एड्रेस ढूंढ कर आई है ये आइटम गर्ल। हमें एंजॉयमेंट चाहिए कि तेरा 50,000 रुपए यार, प्लीज यार, हमारी बात तो सुन। रानी तुम उसकी बात का बुरा मत मानो, आओ अंदर आ जाओ। समझ गया ना यार? हाँ। एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता किचन कहाँ है? मेरा नाम रानी है। कल तक यहाँ जो काम कर रही थी वो मेरी बहन है। कोई बात नहीं, जाओ। रानी, इफ यू फील हार्ड लीव इट, आई विल कंप्लीट। अच्छे से साफ करूंगी। नो, तुम जितना कर सकती हो करो, बाकी मैं कर दूंगा। कोई बात नहीं सर, मुझे आदत है। जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत धूल है। धूल ही धूल है। पागल कहीं का, हमेशा घूरता रहता है। अभी तक वापस नहीं आई। ये है दुबई का सेंट। तुम्हारा नाम क्या है? रानी। ओ, और काम क्या है? A to Z। A to Z मतलब? बर्तन साफ करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। पागल हो गया हूँ मैं? पागल नहीं हो तुम, तुम तो बहुत हैंडसम हो। रानी, तुम्हारा नंबर क्या है? 36 24 36 24 6 6। फोन नंबर है या मेजरमेंट है? दोनों है, फिर तो अच्छा है। मुझे बहुत शर्म आती है। डोंट वरी यार, तुम्हारी शर्मिंदगी मैं खत्म करूंगा। काजू पिस्ता खाऊंगा, बर्तन के दिखाऊंगा शेक हैंड। कहर ढा रही है ये तो। एक सिगरेट देना। कैसा है तुम्हारा नया प्लान? अभी अभी तो मैच स्टार्ट हुआ है। उफ़।
भाई क्या हुआ? पूरा घर बहुत साफ दिख रहा है, किसने किया? कभी कभार लकी लक्ष्मी गूगल मैप ढूंढ कर आती है। आएगी आएगी, गूगल मैप से ढूंढ कर आएगी। भाई हमारे रूम में कोई लेडीज आई थी क्या? क्यों, तुझे कैसे मालूम? किचन के आईने में मैंने देखा एक बिंदी लगी हुई थी, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, 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 नहीं आई थी। नहीं देखा? ठीक है भाई, और मैं दिखाता हूँ। जल्दी जल्द, ये देखो ये रही। ओ, ये क्या, कल बजाज इलेक्ट्रॉनिक से सामान लाए थे। हाँ उसी में से कहीं आया होगा ये, है ना? ओके ओके, अभी ये यहाँ कैसे रह गई? भाई वैसे यहाँ एक लेडीज हैंगी भी रखी हुई है। अरे नहीं, अरे मैं चेक कर लेता हूँ। भाई झूठ, मैंने तो मजाक किया था। ए, तू मुझसे मजाक करेगा? अबे तेरी तो, कल से तुम वॉकिंग करो और रात में 10 बजे आना। जो हमने कहा वो करो, तकलीफ है तो रूम खाली करो। नहीं भाई, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा, ठीक है? टुडे आवर टॉपिक इज इंडियन ज्योग्राफी फिजिकल डिविजन। हिमालयस एक्ट एज अ नेचुरल लैंड बॉर्डर फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हिमालयस आर लोकेटेड अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडियन मेन लैंड। सर एनी डाउट? सर दर्द। व्हाट, मेरा टीचिंग हेडेक लग रहा है? नहीं नहीं सर, हैंगओवर। हैंगओवर मतलब रात में ज्यादा डोज ले ली। ओके यू कैन लीव। अरे सर आप आ गए। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सर मैंने कहा था ना शाम को आऊंगी। ओ याद आया, आज बहुत सरदर्द हो रहा था क्लास में, इसलिए जल्दी आ गया। ऐसी बात है। रानी। हाँ। झंडू बाम कहाँ रखा है? जल्दी लाओ, सरदर्द हो रहा है। सरदर्द से फटा जा रहा है, तुम ही लगा दो ना। हाँ। कोई देख लेगा तो गलत समझेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। प्लीज रानी प्लीज, तुम लगा दो ना यार। हाँ। प्लीज प्लीज रानी। मूड खराब कर दिया। आइए सर। थैंक यू, यही टाइम मिला था आने का। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी स्माइल पैसा गुस्सा हो रहा है ना। क्या हुआ यार? यार पूरा मूड खराब कर दिया तूने यार, डिस्टर्ब कर दिया। ग्रैंड पार्टी चलने वाली थी यार, फोन करना चाहिए था ना। आप क्लास नहीं गए थे क्या? गया था बट पेन भूल गया था। अपना पेन अपने पास रखना चाहिए, हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। रानी एक मिनट रुको, आंख बंद करो। अब आंख खोलो। थैंक यू। मुझे तो तुम्हारा टच करना ही काफी। वही देगा, हमें भी देना चाहिए। ये लो। थैंक यू। थैंक यू मेरा राज्य। इसका तो कुछ ज्यादा ही लंबी मिल गई। बाय बाय। हमारे हाथ चूमे और उसे गले लगा लिया।
अंकल मैं लक्ष्मी से मिलने आई हूँ। रूम नंबर बताया था उसने, मैं भूल गई। सेकेंड फ्लोर लेफ्ट साइड 202। थैंक यू अंकल। कौन है? मैं हूँ गीता, तुम्हारी फ्रेंड। मेरा नाम लक्ष्मी है, गीता नाम की मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। जस्ट अ मिनट, आई विल कंफर्म। छी, फोन को भी अभी ऑफ होना था। नो प्रॉब्लम, चार्ज कर सकती हो, यहाँ चार्जर है। थैंक यू। हाँ। नाम क्या है? लक्ष्मी। क्या करती हो? पार्ट टाइम जॉब। कहाँ? जाना जरूरी है तुम्हें। मेरी बात का बुरा मत मानो। एक मिनट। इट्स ओके। कैन आई हेल्प यू? या प्लीज। इतने जोर से क्यों किया तुमने? टेम्प्ट हो गई। व्हाट? टेम्प्ट हो गई? एक बात बोलूं तुमसे? यू आर सो हॉट। व्हाट? वन सेकंड। आप बहुत सुंदर लग रही हो। वन हग प्लीज। हाँ? चीयर्स। चीयर्स। जो भी हुआ अच्छा हुआ यार, मैंने तो सोचा कि पारू के जाने के बाद गिफ्ट वेस्ट हो गया, वो गई और ये आ गई। क्या फिगर है उसकी। आप लोग यहाँ हैं क्या? कैरी ऑन कैरी ऑन। अरे सुधीर, हम सब खुशी से पार्टी मना रहे हैं, आजा तू भी ज्वाइन कर हमें। नहीं नहीं, मेरी ऐसी कोई आदत नहीं, आप लोग करिए। छोटी सी आदत है ना बे। अब सुन, सीनियर्स की बात है, जूनियर्स को सुननी पड़ेंगी, आजा। ओके। चीयर्स। हाँ, अभी तक हम किसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, फिगर रानी। लेकिन मुझे इस अल्फाज से गुस्सा आ रहा है। क्या हो गया? रवि को क्यों पैसा दिया? अबे पागल, उसे पैसा दिया तो हमारे पास क्यों आएगी यार। स्टूपिड। यस, सही बोला भाई। ये लीजिए मेरे हिस्से का रेंट। रानी सुपर हॉट। सुधीर, अभी काम पे आई नौकरानी के बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट लाइक सामंता। क्या सामंता? तो मेरा तीर सही निशाने पे लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। प्रीलिम एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, सभी लोग तैयार हैं ना? यस सर। व्हाट व्हाट डिड यू से? यस सर। क्या है ये, आप सभी इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? व्हाई? टेल मी व्हाई। लिसन, बिलीव इन योर सेल्फ, देन यू कैन विन। नोबडी कैन स्टॉप यू, यू कैन रूल द वर्ल्ड। यस, आप लोग कलेक्टर बनकर अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकते हो। आप सब अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार हो। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट, डोंट मिस इट। मैंने आप सबको पहले ही कहा था, यू आर ऑल इन द बेबी मंकी पोजिशन, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शन। वंस यू आर आउट ऑफ दिस क्लास रूम, डोंट वेस्ट योर टाइम, रिवाइज योर सिलेबस डेली ट्राइस, रिमेंबर दैट। एग्जाम में अगर एक छोटी सी गलती की तो इस एग्जाम के लिए एक साल इंतजार करना पड़ेगा। यू डोंट गिव द चांस, नेवर मिस योर वैल्यूएबल टाइम एंड प्रीशियस यूथ। तकलीफ उठाने का मादा रखिए, तकलीफ सहकर ही
जीत हासिल कर सकते हैं आप। ओके, ऑल द बेस्ट। जय महेश्वरी। जय महेश्वरी। ये पेपर लीजिए सर, 10 मिनट हो गया। अभी 10 मिनट नहीं हुए, लिखो, बैठो। फिर लिखने के लिए बोल रही है। सर सर ये लीजिए पेपर। नहीं हुआ टाइम अभी, लिखो, चलो लिखो, बैठो, लिखो। फिर से लिखने की बात कर रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, लगता है पागल है। बात बढ़िया। हाय रानी। व्हाट हैपेंड? तुम जानते हो क्या? नहीं यार। अरे अरे क्या करी, जाना यार। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? पता नहीं यार। अरे तू क्यों कर रही है? वेरी सीरियस। अच्छा रानी, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अरे तुम टेंशन में क्यों? मैं कैसे भी रहूं, आपको क्या मतलब? कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताओ ना। मेरी प्रॉब्लम मैं आपको क्यों बताऊं? आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्या? सॉल्व भी करेंगे और मदद भी करेंगे, तुम हमारी हो। I mean, तुम्हें भी हम अपना समझते हैं। हाँ, बताने से क्या फायदा? बताओ हम क्या कर सकते? तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकते हैं। ये सब तो बस कहने की बातें हैं। अगर ऐसा है तो बस 50,000 की हेल्प कर दीजिए। जस्ट अ मिनट। वाओ, ये सब मेरे लिए है? आप लोग कितने अच्छे हो। सो स्वीट। मैं जरूर तुम लोगों की चाहत पूरी करूंगी। कब? यस, सुपर है यार। हेलो सर, कहाँ है? मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं कहाँ हूँ जानते हो? हॉस्टल में। तो मैं वहाँ आ रहा हूँ। कैसे आओगे तुम? हॉस्टल बहुत स्ट्रिक्ट है, बॉयज आर नॉट अलाउड। अगर मैं आ गया तो? नो वे। इन केस अगर मैं आ गया? थोड़ा प्रैक्टिकल रहो यार, लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना है कि नहीं? अगर मैं आ गया तो? अगर तुम्हें अपने पे कॉन्फिडेंस है तो ट्राई करो। जस्ट कंफर्म मी। जस्ट अ मिनट। सरप्राइज। मे आई कम इन? हाउ? वन मोर गुड न्यूज, मैं IAS बन गया। कंग्रेचुलेशंस। सो स्वीट। हेलो, व्हाट अबाउट माय डील? कैसी डील? हीरोइन बनने के बाद मुझे क्या मिलेगा? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो है वो दे दो। प्लीज अभी नहीं। Thank you.
हाय ब्रो। हाँ भाई, मैंने आईएएस क्लियर कर लिया। कांग्रेट्स। ये लीजिए मिठाई खाइए, लीजिए ना। कांग्रेट्स। हाँ आप भी मिठाई खाइए ना भैया। वन ईयर बैक फर्स्ट अटेम्प्ट पास्ट, मेन एग्जाम पास करके दिखा, तब तेरी पसंदीदा हीरोइन से मिलवाएंगे तुझे। क्या बच्चों, लड़कियां पटाने का प्लान कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो? नमस्ते अंकल। अंकल क्या किया इसने? ब्रिलियंस पास किया है, स्वीट बांट रहा है। ओहो, तुम्हें कहीं तो देखा है मैंने, यही चेहरा यही पर्सनालिटी यही हाइट, कहाँ देखा है? मेरा रडार लगता है ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैं अशोक नगर में रहता हूँ, मेरा नाम सुधाकर है, मैंने आईएएस क्लियर किया है। ये मिठाई खाइए ना। स्वीट तुम रख लो, मैं तो हॉट हूँ, दुबई शेक को शेक करके आया हूँ। डोंट डाइवर्ट मी, I will find out the fact. हाँ ढूंढ ले, कुछ भी पता नहीं चलेगा। बड़ा आया, अभी तो कहानी का बड़ा सा ट्विस्ट बाकी है। कहाँ हूँ? जहाँ तुमने कहा था वहीं बैठी हूँ। मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया हूँ, इसलिए आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लो ना प्लीज। हाय, कैसी हो? अच्छी हूँ। इतनी देर हो गई, पागल अभी तक नहीं आया। ओ, ये है क्या? बहुत सही टाइम पे कॉल किया है इसने। हेलो रानी, मैं हूँ। हाय डार्लिंग। मेरी रानी से बात हो रही है ना? अरे राजा, तुम अपनी रानी को नहीं पहचानते? भूल गए क्या मुझे, मेरे प्यारे मजनू डार्लिंग? रानी, आर यू ओके? अरे मेरे राजा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रात में तो पूरा मजा लिया था। रात को तो केला खा के अकेला सो गया था, मजा कब ले लिया मैंने? रानी, मैं तुम्हें मना करती रही लेकिन तुम माने ही नहीं। आओ, तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया था। मैंने? मैं तुम्हारी बिना काजू बादाम के। एक बात बोलूं मुत्तू डार्लिंग, मुझसे हॉट लड़की चाहिए क्या? तुम मुझसे भी ज्यादा सेक्सी लड़की बगल में बैठी है, आके पटा लो इसको। तो मुझसे फोन नंबर ले लो। फोन नंबर ट्राई करती हूँ। ए पागल औरत, मुझे क्या समझ रही है तू? किससे बात कर रही है? ए, कौन है बे तू? मैंने दुबई के शेख को। ए इडियट, तू कोई भी है, भाड़ में जा। मुझे क्या पड़ी है? तू कहाँ है बता, मैं आती हूँ वहाँ। ये क्या है? अभी तो प्यार से बात कर रही थी, अचानक आग कैसे बन गई? ये चंद्रमुखी से ज्वालामुखी कैसे बन गई? फोन रखो। फोन काट दिया पागल ने। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने ऐसी बातें कर रही थी? मैंने क्या कहा? मैंने तो तुम्हारी तारीफ की। हाँ। ये गलत है क्या? सेम वर्ड यू ब्लडी, तेरी तो छोड़ूंगी नहीं। ए रुक, कहाँ जा रही है? अरे रुक ना, पागल औरत। अरे अरे रुको, माँ का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ माँ, बात क्या है माँ? तुम्हें याद है ना बेटा? हाँ याद है माँ, रिजर्वेशन भी करवा लिया है। हाँ ठीक है, जल्दी आना। लेकिन वो लड़की के गेटअप में तुम हो और मुझे यहाँ बुला के पागल बना रहे हो तुम? तुम्हारी तो छोड़ूंगी नहीं मैं, मौत डालूंगी। लग जाएगी। रुक जाओ, नहीं नहीं, कहाँ भाग रहे हो? I love you so much.
चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के रजनी फैंस डोंट मिस द चांस ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस. सुनिए किसी ने लॉक कर दिया था. मैंने ही लॉक किया है. क्यों? तुम्हें लॉक करने के लिए. मैं कुछ समझी नहीं. हे भगवान, ऊपर वाले ने तुझे इतना सुंदर बनाया है लेकिन ब्रेन देना भूल गया. क्या चाहिए तुम्हें? की तुम्हें मेरी की चाहिए और मुझे तुम्हारी की चाहिए. मेरी माँ को पता चलेगा तो वो मुझे मार डालेगी. अरे कैसे पता चलेगा, यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा थोड़े ही है. मैं कुछ नहीं जानती, मुझे घर जाना है, जल्दी कीजिए. तो मुझे अपना की दे दो फिर जा सकती हो. लेकिन मेरी की आपको क्यों चाहिए? उसी की के लिए तो ये पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है. इस की के लिए. एग्जाम सेंटर पहुंच गए क्या? हाँ पर मुझे बहुत टेंशन हो रही है. डोंट वरी सुधीर, यू विल पास. ऑल द बेस्ट. बेटा, तुझे कभी भी तकलीफ हुई तो हमेशा भगवान को याद करो, सब सही हो जाएगा. तुम कलेक्टर बन गए तो सारे गांव का फायदा होगा. मुत्तू, पूरी रात सिर में दर्द था रानी. ऐसे सिर बांधने से सर दर्द गायब हो जाएगा क्या? हाथ सहला दो तो भी गायब हो जाएगा. ये कौन सा रोग है? इसे माया रोग बोलते हैं रानी. हाँ? अंदर चलो, अभी दिखाता हूँ. आ जाओ, बैठो बैठो, ये पकड़ो, इसे अपने हाथ से लगा दो. वाह वाह, बहुत मजा आ रहा है. ओ, अब आप आराम कीजिए, मैं काम करके आती हूँ. क्या बात है. भगवान, ये रानी तो फूल की तरह है और ये लड़के राक्षस की तरह हैं. बहुत बहुत टेंशन हो रही है मुझे. तुमने ऐसा क्या किया रानी? हाउस पावर रीजनरेट हो गया, बहुत रिलीफ मिला. मैंने क्या किया मुत्तू डार्लिंग? मैंने तो जस्ट हैंड टच किया था. उसी टच में तो सब कुछ है. अंदर चलो, तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ. आ जाओ, आओ, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है. ये क्या है? ये जेंट्स स्प्रे है ऐसे, और ये लेडीज स्प्रे. थैंक यू. ये क्या है? ये लाइट ऑफ करेंगे तब पता चलेगा.
प्लीज मुथु प्लीज लाइट ऑफ मत करना। मम्मी ने बोला था किसी को लाइट ऑफ मत करने देना। सब कुछ मम्मी से पूछ के करती हो क्या? इतनी बड़ी हो गई हो तुम, लेकिन दिमाग नहीं है। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड यार? मम्मी। अरे रानी रानी। हेलो, आप कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मैं आपके रूम के सामने खड़ा हूँ। मेरा 10 मिनट में फाइनल रिजल्ट आने वाला है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस वक्त। मुझे आपका साथ चाहिए, प्लीज जल्दी आ जाना भाई, प्लीज। ओके ओके, या आई एम कमिंग। ओके, हाय सुधा। हेलो। हाय हाय भाई, ये लक्ष्मी। हाय हाय, हेलो, दिस इज रवि माय पार्टनर। ओके, या सिस्टम कहाँ है? वो अंदर, मैं जाके चेक करती हूँ। ओके। डोंट वरी सुधा, यू विल पास। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम पास हो जाओगे। आप मुझ पे बहुत भरोसा करते हो भाई। बात भरोसे की नहीं, बात लक्ष्य की है। सॉरी सुधीर। बाय मिस्टेक तुम पास हो गए। क्या कहा तुमने? हेलो, आप लोग कहाँ हैं भाई? तुमसे 100 किलोमीटर डिस्टेंस में। सॉरी भाई, हमने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया इसलिए फेल हो गए। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? डोंट एक्ट स्मार्ट। तुम्हें हमारे लिए सिंपैथी फीलिंग दिखाने की जरूरत नहीं। भाई मैं ये बताना चाह रहा था कि तुम कुछ मत बोलो, हमें यहाँ पेट्रोल की तरह आग लगी है। मैं तो आप लोगों को पार्टी देना चाह रहा था, बताइए ना कहाँ है आप। मैंने कहा ना तुमसे 100 किलोमीटर डिस्टेंस में। सामने वाले की सक्सेस देख के जलन हो तो द डिस्टेंस इज नॉट 100 किलोमीटर्स, इट्स मोर देन 1000 किलोमीटर्स। जार को देखो, US, रशिया एंड जापान। इन्हें देखो, इन्हें ढक्कन से बंद किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है पता है? इन सब में ना अंगूर रखे हैं और ये अंगूर बाहर नहीं गिरे यही सोच के बंद किया गया है। अब तुम देखो इंडियन जार को, और ये खुला हुआ है। इसके बाद भी ये बहुत सेफ है। और ये सेफ क्यों है पता है तुम्हें? एक इंसान अगर आगे बढ़ता है तो 4 लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दिस इज द फेमस सटायर इन इंडिया। वैसे ही सुधीर, तुम भी आगे बढ़ने वाले इंसान की तरह सेम टू सेम हो। सो नाउ फॉरगेट दैट। सोचना जो भी हुआ तुम्हारी भलाई के लिए ही हुआ है। बी स्ट्रॉन्ग। वैसे शेर दाढ़ी नहीं बनाते, तुम ट्रिम करा सकते हो। हेलो। हाँ हाँ
बैड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह किधर? ओ किताबें बेचने क्या? मजाक कर रहा हूँ यार। इसे बाद में देखेंगे, चलो। हाँ चलो। रानी सिक्स पैक्स। क्या चाल है, क्या नजर है, बड़ी नाजुक फूल हो तुम, लेकिन इस माली से तुम बच नहीं सकती। सही मौका है आज, बचकर जाने नहीं दूंगा। कौन? मैं हूँ मुत्तू। अरे ये इस वक्त यहाँ क्यों आया? मैं कुछ काम कर रही हूँ। दरवाजा खोलो, तुम्हारे काम में मदद करूंगा। अरे रोनी, अरे रोनी, छोड़ो, घर में कोई नहीं है, चलो ना, चलो ना, छोड़ो मुझे, रोनी, छोड़ो, रोनी, चलो ना, मुझे छोड़ो, प्लीज, प्लीज, चलो, 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 रोनी, रोनी, मेरी बात सुनो। ये तुमने क्या कर दिया रानी? बॉटम ब्लास्ट कर दिया। ओह, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। बिल्ली की तरह आया था वो और शेर बन गया है। हम सब ने उस लड़की के पीछे पागलों की तरह घूमकर अपना टाइम वेस्ट कर दिया था यार। छे, हम बेवकूफ बन गए यार। जिस तरह से उसने हमें इस्तेमाल किया, हम सब मिलकर उसे इस्तेमाल करेंगे। राइट। यस यस। मैं जानती हूँ तुम लोग मेरे बारे में ही सोच रहे होगे। आज रात को गेस्ट हाउस में आना, तुम लोगों को मजा ही मजा दूंगी। तुम्हारी रानी। यस यस। साले तुमने हम लोगों को बेवकूफ बनाया। मेरी जान से बढ़कर मेरे पापा थे, वो मुझे आईएएस बनते हुए देखना चाहते थे और यही उनका सपना था, और उनके सपने को पूरा करने के लिए ही मैं शहर में आया। और एक दिन फोन आता है कि मेरे पिताजी नहीं रहे। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरी आत्मा ने मेरे शरीर को छोड़ दिया हो। उस शौक से बाहर आने के लिए मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया। मेरे जहन में बस एक ही बात थी कि मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है। उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं जी जान से लग गया। उनका सपना मेरा लक्ष्य बन गया। मुझे इस शहर में पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए और मेरे पास पैसा भी नहीं था। मैंने सोचा कि आप लोग मेरा साथ देंगे। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया
लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिसके अंदर इंसानियत ना हो वो इंसान किसी इंसान के दर्द को कैसे समझ पाएगा। इस स्वार्थी दुनिया में इंसानियत ने अपना दम तोड़ दिया है, तभी मैंने फैसला किया। आप लोग तो अपनी लाइफ मजे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं दूसरी तरफ भूखा तड़प रहा था। भूखे पेट मैंने कई रात गुजारी। एक नौकरानी के सामने आप लोगों ने मेरी इंसल्ट की, तब भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तभी मैंने एक प्लान बनाया। आप लोगों की वीकनेस लड़कियां थी और उसी वीकनेस का मैंने फायदा उठाया। एक समय अर्जुन ने भी लड़की का रूप लिया था। अगर वो गलत है तो फिर मैंने जो किया वो भी गलत है। अर्जुन ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए लड़की का भेष बनाया और वही मैंने किया। ये गलत है क्या? मुझे मेरा लक्ष्य हासिल करने में जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं रानी बन गया और मैंने अपना लक्ष्य हासिल किया। ब्रदर, मैंने जानबूझ करके आप लोगों का दिल नहीं दुखाया है और ना ही मैंने इसमें अपना स्वार्थ हासिल किया है। मुझे उस वक्त यही सही लगा। और इन सबसे अगर आप लोग का दिल दुखा हो तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी ये हाई इंटेलिजेंस को हैट्स ऑफ करना चाहिए। तुमने तो कमल हसन को भी एक्टिंग में पीछे छोड़ दिया है। हमें भी तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम पल्लटूर गांव से जो आए हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? इधर आ, बता दे तुझे। रुक। जब हमारा दिमाग खराब हो तो सामने वाले का इल्जाम लगाने से क्या फायदा? उस समय पारो, अभी रानी, नेक्स्ट कोई और। हम लड़की की लालच में रहे तो हमें कोई और भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। अगर हम गलती करेंगे तो कोई भी हमें धोखा दे देगा, इसीलिए हमें कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। जो हुआ सो हुआ, एक बुरा सपना समझ के उसे भूल जाओ। और तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसने तुम्हारे पिताजी की जान बचाई थी जब उनको दिल का दौरा पड़ा था। इसका तुम पे बहुत एहसान है, इस बात का ख्याल रखो। और तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, अगर वो उस दिन उस लड़की के मैटर से नहीं निकालता तो उस दिन तुम जेल में होते। ओए ओए, जल्दी उतर। क्या मस्त माल है यार। अरे देखो, ये मुझे किडनैप करके लेकर जा रहा है। बचाओ मुझे, बचाओ। मैंने कुछ नहीं किया। एक लड़के को चार पांच लोग मिलके मार रहे हो, ये मर्दानगी है? किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं सबको मार दूंगी। चल जल्दी बैठ। अच्छा, संभाल के, संभाल के। तुम्हारे पिता के स्ट्रोक से बचाने वाला और तुम्हें जेल से बचाने वाले इस इंसान को, इसके किए गए उपकार को हम कैसे भूल सकते हैं? हमें इसे माफ कर देना चाहिए। क्या तुमको यह गलत लगता है? खुद सोच लो। टाइम पास के लिए पढ़ रहे थे हम, पासिंग क्लाउड्स में रुक गए हम सब। सुधीर एटलीस्ट हमारी बैच में एक तो कलेक्टर बना, ये हम प्राउडली कहेंगे। तुम्हारे बारे में कहेंगे, छोटी छोटी बातों को दिल पे मत रखना यार, प्लीज। नो नो, इट्स ऑल राइट ब्रदर। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, एक्सट्रीमली सॉरी। भविष्य में हमें अपने बच्चों से शेयर करने के लिए तुमने हमें फनी एक्सपीरियंस दिया। ऑल द बेस्ट सुधीर। थैंक यू भाई। All the best today. Thank you. Thank you so much. अच्छा भाई, वो रानी। रानी, कहाँ हो मुत्तू डार्लिंग? घर पे हूँ डार्लिंग। क्या कर रहे हो? टाइटैनिक फिल्म देख रहा हूँ। उसमें जो पेंटिंग सीन है ना, मेरा फेवरेट सीन है। उसे देखकर एंजॉय कर रहा हूँ। तुम मुझे देखना चाहते थे बिना कपड़ों के? आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी करती हूँ। व्हाट्सएप ओपन करके देखो। ओके 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 ओके।
थैंक्स डियर, अभी देखता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। सामने से कब आओगी? देखो तो सही मुत्तू डाली। तुम जो करोगी मुझे सब पसंद है डार्लिंग। कम से कम सच नहीं बताया होता तो उसके बारे में सोचकर सपने में ही जीता रहता। चे, चे, आ, आ, हे भगवान। हे भगवान क्या करो। अरे अच्छा अच्छा तुम तो लड़का निकली। लोनी का राजा हो गया। भैया जरा जल्दी चलिए ना, 5 मिनट में इंटरव्यू है। अगर वो मिस हो गया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ऑलरेडी 80 में जा रहे, इससे ज्यादा गया तो ऊपर का टिकट कट जाएगा। भैया रुक जाइए रुक जाइए। अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे भैया इधर आइए जल्दी जल्दी आइए। अरे आइए भैया क्या कर रहे हैं? ये भगवान देखेगा ठीक है। मदद करो मेरी। हु इज रामकृष्ण? मैं हूँ। प्लीज कम। जी। आर यू सुधाकर? सुधाकर सर आई एम सुधाकर। प्लीज कम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज थैंक यू सर। मिस्टर सुधा फ्रॉम एपी, ए स्मॉल विलेज टू दिल्ली। करियर में आगे बढ़ने के लिए देर आर मेनी ऑप्शंस, व्हाई डिड यू सिलेक्ट ओनली सिविक्स? मुझे सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना है, उन्हें सुविधा देना है। सिविल इज द बेस्ट ऑप्शन मैं समझता हूँ सर। पब्लिक की सेवा करनी है तो पॉलिटिशियन बनकर भी कर सकते हो। पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है सर। गवर्नमेंट स्कीम प्लान की तो उसे बिना सवाल किए एग्जीक्यूट किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है सर। और मैं इन सबसे डायरेक्टली पब्लिक से भी मीट कर पाऊंगा। What is the importance of 26/11? Terrorist attack in Mumbai. Okay. Is there importance of deaths same day? Yes, ma'am. On the same day, our Indian Constitution adopted on 26/11, 1949.
Do you support or oppose our collegian system? I support, but there is some salt of transparency. In November 2015, who has submitted the report on black money? Justice Ambesha. खाली टाइम में तुम क्या करते हो? मुझे फिल्म देखना पसंद है सर। तुम्हारा फेवरेट फिल्म डायरेक्टर? राम गोपाल वर्मा। What is the name of his recent released autobiography? Guns and Thighs. इंटरव्यू में आते वक्त हैंड्स फोल्ड करके आना बिल्कुल सही नहीं है। Yes sir, but my situation is वंडरफुल। हमारी सोसाइटी को तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। लो बेटा वहां रख दो। माँ मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहता हूँ। माँ ये लड़की मुझे शहर में मिली थी। आशीर्वाद दीजिए। क्या नाम है? लक्ष्मी। आज अगर तुम्हारे पिताजी इस कलेक्टर रूप में देखते तो बहुत खुश होते। Mm-hmm.